आ जाओ। टाइम देखा तुमने क्या हुआ है? तुमको पता नहीं है कि मैं बैटी किस वक्त पीता हूं? साहब वो मेरी तबीयत कुछ खराब थी। अभी 2 दिन तुम्हें हुए आए हुए और तुम्हारी तबीयत खराब हो गई? अरे ये चालबाजियां किसी और को दिखाया करो। साहब वो जाओ जल्दी से चाय बना के लाओ। साहब क्या बात है, जल्दी बोलो। साहब रात मेरा रिश्तेदार मेरे क्वार्टर में रहने आया था साहब, वो उसने खुदकुशी कर ली है। क्या खुदकुशी कर ली? कहाँ? साहब मेरे क्वार्टर में। लाश क्वार्टर में? जी साहब। जल्दी से जाओ सरदार को बुला के लाओ। अच्छा साहब जी। हेलो पुलिस स्टेशन। मार्च 2015 की सुबह क्लिफ्टन थाने की हदूद ब्लॉक 9 में रिहायश पजीर बिजनेसमैन वकास अहमद के खानसामा ने आकर इतला दी कि रात को सर्वेंट क्वार्टर में उसका गजन आकर रुका था, जिसने रात को किसी वक्त खुदकुशी कर ली है और लाश क्वार्टर में मौजूद है। वकास अहमद ने फौरन क्लिफ्टन थाने को इतला कर दी। आपको कब पता चला? मुझे तो अभी पता चला इंस्पेक्टर साहब, मैंने फौरन आपको फोन किया है और मुझे तो इसने बताया था। ये पानी किसने गिराया? मेरे से गिर गया था। क्या लगता है तुम्हारा रिश्तेदार है साहब मेरा? ये रोज रात को तुम्हारे साथ रहता था? नहीं नहीं साहब, बस कल रात ही रुकने आया था मेरे पास। आप कह रहे थे ये बात? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो आज ही पता चला। वो बताया था। किसने मारा उसको? साहब पता नहीं, मारा किसी ने नहीं, खुदकुशी की है इसने। खुद ही खुदकुशी कर लिया? कहाँ है छुरी? पता नहीं साहब किसने मारा। तुम्हारे को कैसे नहीं मालूम जब तुम्हारे साथ रात भर सोया? साहब मैं सच बोल रहा हूँ। तुम कहाँ गया था? आपको तो पता है सुबह काम पे उठना होता है, तो मैं टाइम से सो गया था। बस थका हुआ था साहब, मुझे नहीं पता, ये तो ठीक ठाक सोया था। जब सुबह उठे तो साहब ये मरा हुआ मिला। तुम्हारी थकन तो भी मैं उतारता हूँ, सबर करो। जमाल खान पुलिस को फोन करो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। जी सर। मलिक साहब आपके मुलाजिम को थोड़ा मैं थकन दूर करने के लिए ले जा रहा हूँ। और तुम कमरे की तलाशी लो, कोई चीज नजर आवे तो फिर मेरे को बता देना, मैं जरा नीचे जा रहा हूँ। चलो। पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर मकतूल के कजन सिकंदर को हिरासत में लेकर लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी, जिसके बाद मकतूल के वर्सा को इतला दी गई जो अंदरून सिंध रिहाइश पजीर हैं। वर्सा अस्पताल पहुंचकर जरूरी कार्रवाई के बाद मैयत को तदफीन के लिए अपने आबाई इलाके लेकर रवाना हो गए। बाप की शादी में आया है? हीरो बनता है? सीधा खड़ा हो जा। जी साहब। क्या वो बंदे का जिसको रात उठा के लाया था? नहीं साहब वो तो नहीं मान रहा साहब, बहुत डीट है, चितर भी लगाया साहब लेकिन मान ही नहीं रहा। ऐसा करो एनकाउंटर कर दो उसका और लिख दो कि पुलिस मुकाबले में मारा है। ठीक है साहब। मक्तूल तेरे पास रात क्यों आया था? साहब वो मेरा रिश्तेदार था, वो भी एक बंगले में खानसामा था, काम खत्म करके आ गया था। किस वक्त आया था?
साहब साढ़े दस का टाइम था, काम खत्म करके आ गया था। तूने साहब को बताया था कि तेरे पास मेहमान आया है? नहीं साहब। क्यों? साहब घर पर नहीं थे। आया तो होगा ना किस वक्त? साहब सुबह काम पर जाना होता है तो सो गए थे। अच्छा चल ये बता, तेरे को कैसे पता चला कि मकतूल ने खुदकुशी की है? साहब जब वो रात को सोया था तो ठीक सोया था, पर जब मैं सुबह उठा तो वो मरा हुआ था साहब। देख तलीम तेरे घर पे मरा है, सच सच बता तुमने कत्ल क्यों किया है? नहीं साहब मैंने नहीं मारा साहब उसे। इब्तदाई पूछगछ में ज़ेर हिरासत मकतूल के गज़न सिकंदर ने जुर्म से इनकार करते हुए मकतूल की मौत को खुदकुशी करार दिया। मकतूल ने खुदकुशी क्यों की और खुदकुशी के लिए मुलजिम के क्वार्टर का इंतखाब क्यों किया, इन सवालात के जवाबात के लिए पुलिस ने मकतूल और ज़ेर हिरासत मुलजिम के माजी का रिकॉर्ड जानना ज़रूरी समझा। देख तो बेटा कौन है दरवाजे पे। हाँ माँ। कौन है? अम्मा सिकंदर है। सलाम चाची। ए वालेकुम सलाम, जीते रहो बेटा, आ इधर बेटा, जा भाई के लिए पानी लेके आ। और सुना तेरा भाई भरजाई कैसी है? चाची तुझे तो पता है भाई का 8 दिन या 15 दिन बाद तो आता है। किसी बड़े बंगले में खानसामा होगा ना? वो भी खानसामा, कलीम भी खानसामा, नौकरी तो बड़ी अच्छी है, खाना पीना फ्री का, घर भी मुफ्त का, तनख्वाह तो सुखी सुखी बच जाती है। अम्मा ये बड़े लोग अपने खाने के वास्ते भी खुद नहीं पकाते। बेटा ये खा लेते हैं ये भी बड़ी बात है, मैं तो कहती हूँ तू भी अपने भाई को बोल के यही नौकरी कर ले। चाची मैं ये नहीं करूँगा। अम्मा ये गवर्नरी करेगा। क्या बुढ़ा होके करेगा? चाची फिक्र ना कर, मैं जवानी में ही कर लूंगा। अरे तू जब भी कर, लेकिन अभी मेरा एक काम कर दे। वो क्या? अम्मा मैं दर्जी से जाके कपड़े ले आऊँ। शाम में चली जाना, जल्दी क्या है? अम्मा जल्दी है ना, ये मोटरसाइकिल पर जाएगा, मुझे पैदल जाना होगा। अच्छा अच्छा चली जाना, अभी इसको चाय तो पीने दो। चाची रहने देना, मैं वापसी पर आके चाय पी लेता हूँ, ये तो पता है इसकी आदत का। ठीक है रख दे उधर। अच्छा चाची मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, जल्दी आना बेटा। हाँ चाची। अरे कलीम बेटा क्या हाल है? चाची ठीक ठाक खैरियत से? मैं तो तेरे को समझाता हूँ कि अब ये तेरा उस सिकंदर के साथ घूमना फिरना ठीक नहीं है। सिकंदर से क्या परेशानी है तुझे? रिश्तेदार है, आता है तो बात तो करनी पड़ेगी ना। चाची भी कितनी भोली है। मेरी माँ है, सीधी है। सीधी तो तेरी माँ ही है, तू नहीं। मैंने क्या टेढ़ापन कर दिया तेरे साथ? अच्छा चल लड़ना बैठ, तू खुद ही लड़ता है। अच्छा ये बता जाना कहाँ है? बहरा है क्या? बोला ना दर्जी के पास। सीधा? अब सीधा चल या टेढ़ा, बस रास्ते में कुछ खिला देना। अच्छा लड़ तो ना बैठ, आज तुझे रास्ते से मैं गोल गप्पे खिलाऊंगा। अरे रुक मेरे भाई, रुक रुक रुक, तुझे पूरे शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ, तू मुझे यहाँ मिला। आजा आजा आजा, जल्दी से 2 प्लेटें गोलगप्पे की बना दे। Thank you.
सिकंदर जो है वो उनकी उस जो क्राइटेरिया है जहाँ पर वो लाइकनेस का एक इशू उनका डेवलप हुआ हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो उन चीज़ों को जो है वो देख रही हैं कि वो सिकंदर में मौजूद हैं निस्बतन कलीम के। तो बेसिकली ह्यूमन अपनी सेटिस्फेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा बेसिकली जो है वो वर्क कर रहा होता है, उसका जो ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है वो उसी के गिर्द सर्कुलेट कर रही होती है ताकि वो अपनी पर्सनैलिटी को फुलफ़िल कर सके, उसको सेटिस्फाई कर सके। तो यहाँ पर सिकंदर के अंदर वो अपनी शख्सियत की चीज़ों को, अपने जो साइकोलॉजिकल उसके नीड्स हैं, बेनिफिट्स हैं, उनको वो देख रही है कि वो सिकंदर पूरी कर सकता है निस्बतन दूसरे उसके जो मंगेतर है उनके। अब आइए, इतनी देर हो गई है, अब आ गई। अरे कलीम बेटा, क्या हाल है चाची? ठीक ठाक खैरियत से? हाँ हाँ ठीक है बेटा, आ बैठ, आ बैठ। हाँ बेटा तू सुना, कब आया है तू कराची से? बस चाची सुबह ही पहुंचा हूं मैं। यही दो चार दिन के लिए ही आया होगा? हाँ हाँ चाची, ये आसिया नजर नहीं आ रही, किधर है? अरे बेटा दोपहर की गई हुई है दर्जी के पास, मैं तो बड़ी परेशान हो रही हूँ, दरवाजे पे आंख लगा के बैठी हुई हूँ। बात तो बता, अब अम्मा को क्या बताएगी कि कपड़े नहीं मिले? अरे तू वो छोड़ ना, मैं कुछ कर लूंगी, तू बस अंदर आ। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ रह गई थी तू, इतनी देर कर दी, मैं परेशान हो रही थी। अम्मा वो दर्जी की लाइट नहीं थी ना, और इसकी मोटरसाइकिल भी तो खराब हो गई थी। जी चाची मेरी बाइक खराब हो गई थी इस वजह से देर हो गई। और आधा कलीम सब खैरियत है ना, कब आए तुम? जब तूने देखा समझ ले तभी आ गया। चाची तू तो कह रही थी कि ये दर्जी के पास कपड़े लेने गई है, कपड़े तो नजर नहीं आ रहे। कपड़े नहीं लाई तू? अम्मा अभी बताया तो उसके यहाँ लाइट नहीं थी, उसने कहा कल आके ले जाना। अच्छा चाची मैं चलता हूँ। अच्छा अच्छा बेटा तू जा, अपनी भरजाई को बोलना कभी हमारे घर में चक्कर भी लगा लिया करे। जी चाची मैं बोल दूंगा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चाची ये बात मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है। क्या बात? ये आसिया का इस तरह सिकंदर के साथ घूमना। अरे इसके चाचा का बेटा है, क्या हुआ? आसिया मेरी मंगेतर है। क्या हो गया है? दो कदम ही तो गई थी। दो कदम हो या चार कदम हो बस मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है तो फिक्र ना कर, अभी आसिया मेरे घर पर है, मैं समझा दूंगी उसको। तू बैठ मैं तेरे लिए चाय बना। चाची मैं जरा जाके बात कर लूं उससे। आराम से बात करना, गुस्सा नहीं करना। तू फिकर ना कर। पुलिस तफ्तीश में ये बात सामने आई कि जेरे हिरासत मुल्जिम सिकंदर और मक्तूल कलीम दोनों आपस में कजन थे, उनका पूरा खानदान सक्कर का रिहायशी है, जबकि मक्तूल कलीम और मुल्जिम का भाई दोनों कराची के इलाके डिफेंस में मुख्तलिफ बैंगलोर में खानसामा की नौकरी करते थे और इस सिलसिले में सर्वेंट क्वार्टर्स ही में रिहाइश पसीर थे। चल अब तू मूड ठीक कर ले, मैं तो तेरे को समझाता हूँ कि अब ये तेरा उस सिकंदर के साथ घूमना फिरना ठीक नहीं है। सिकंदर से क्या परेशानी है तुझे, रिश्तेदार है आता है तो बात तो करनी पड़ेगी ना। खैर छोड़। ये देख तेरे वास्ते मैं कराची से क्या लेके आया हूँ, पहन के तो दिखा, पहना दूँ क्या? अभी तेरा इतना हक नहीं है, मैं खुद ही पहन लूंगी। पुलिस के इल्म में ये बात भी आई कि मक्तूल की मंगेतर आसिया के साथ मुल्जिम सिकंदर के ताल्लुकात थे,
जो उसकी गैर मौजूदगी में आपस में मिलते रहते थे, जिसका इल्म मकतूल को भी था। सलाम भरजाई। कितनी देर से आया है? दोस्तों यारों में बैठ गया था क्या? कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ सौदा मंगवाने के लिए। भरजाई मैं जरा चाची की तरफ चले गया था, मैंने कहा खैरियत ही मालूम कर लूं, तो तुझे सलाम दे रही थी। बात सुन, चाची की खैरियत पता करने गया था या आसिया की? अब तुझे पता ही है, वहाँ जाऊंगा तो आसिया से भी तो बात करूंगा ना। सब पता है मुझे, सबको बेवकूफ बना सकते हैं पर भरजाई को नहीं बना सकता। भरजाई अगर तुझे सब पता है तो बात करना आदा से। देख अदा, तुझे पता है ना आसिया को बचपन से ही कलीम के लिए मांग लिया था। तो क्या हुआ, निकाह थोड़ी ना हुआ उन दोनों का। अरे पर तू कुछ करता भी तो नहीं ना। भरजाई मैं भाई के साथ काम कर लूंगा ना, तो बात करना। देख तुम मेरी अच्छी वाली भरजाई है ना। चाचा ज्यादा मक्खन ना लगा, ये पैसे पकड़, एक पाव मूंग की दाल, एक किलो चीनी और चार रोटी लेकर आ, फिर आधा आएगा तो मैं बात कर लूंगी। ठीक है जा रहा हूँ, साथ ही काम कह दिया। अच्छा जब तक कलीम यहाँ है तू कम मिला कर, फोन कर लिया कर, एक दो दिन में चला जाएगा। सब ठीक तो है दा? सब ठीक तो है, पर तू ठीक हो जा। अच्छा अम्मा मैं जा रही हूँ। किधर जा रही है तू? अम्मा सकीना भरजाई के पास जा रही हूँ, उसने बुलाया था ना। तुझे तो पता है ना कलीम इतराज करता है। अम्मा तो क्या करूँ, सबसे मिलना छोड़ दूँ क्या? जब शादी हो जाएगी ना तो मिलना छोड़ दूंगी। अच्छा अच्छा जा, पर जल्दी आ जाना। अच्छा अम्मा। यंग एज में आप बहुत बूस्ट अप होते हैं अपनी चीज़ों को, अपने गेंस को, अपने बेनिफिट्स को हासिल करने में। बेसिकली हम अपने आप को कोशिश करते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी टास्क को अकम्पलिश करें, उसको मुकम्मल करने की तरफ जाएं। तो बेसिकली आसिया के अंदर भी वो एक बूस्ट अप होने का एक सिलसिला नज़र आ रहा है कि एक बंदा जो है उसको बचपन से किसी के साथ अटैच किया हुआ है और वहाँ पर उसको ये लग रहा है कि वो चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रही है। तो बेसिकली इस तरह के लोग जिनको किसी के साथ ज़बरदस्ती जोड़ा जाए और वो अपने आप को फील कर रहे हैं बाउंडेड, तो वहाँ पर उनमें एक एक्सट्रीमिज्म की फीलिंग जो है वो डेवलप होती है। वाह भरजाई, तेरे हाथ की चाय पी के तो मज़ा आ गया। अदा सिकंदर साबुन ला दे, मेरे को कपड़े धोने। मैं नहीं जा रहा, थका हुआ मैं, और वैसे भी मैंने आसिया से कोई बात करनी है। तेरे से मिलने नहीं आई हूँ, सकीना भरजाई से काम था मेरे को। बस बस रहने दे, सब पता है मुझे तू किससे मिलना आई है। और तू क्या लड़कियों में बैठा है, जा साबुन ला के दे मुझे। जाता हूँ भरजाई जाता हूँ, क्यों पीछे पड़ गई है मेरे। भरजाई अब मैं भी चलती हूँ, मेरे को घर तक छोड़ देना। अरे तू कहाँ जा रही है, तू तो बैठ अभी। नहीं नहीं भरजाई, अम्मा ने कहा था जल्दी आ जाना, कलीम भी तो आजकल आया हुआ है। तू आया हुआ है तो आने दे, तू कौन सा अभी उसके निकाह में है। अरे भरजाई जाती है तो जाने दे, तू क्यों रोकती है। अच्छा बाबा ले जा, आने दे तेरे अद्दा को, सब बताऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, चल उठ। अच्छा वापसी में साबुन लेता आई हो। ठीक है भरजाई। नहीं आज इतना चुप चुप क्यों है? कलीम मेरे को तेरे से बात करने से मना करता है। ओ भाई वो किस खातिर तुझे मना करता है मेरे से बात करने को? तू भी तो कुछ नहीं करता, अपने भरजाई भाई से बोलना कि रिश्ता डाले। और मैंने भरजाई से बात की थी, वो कहती है बरादरी में फड्डा पड़ जाएगा। बस तो फिर तू मुझसे ना मिला कर, मैं सोच लूंगी तो कुछ दिन है। अरे ये कैसी बातें करती है, तेरी खातिर तो मैं सारी दुनिया से लड़ जाऊंगा। अपने भाई से तो बोल नहीं सकता, दुनिया से लड़ जाऊंगा। देखो इस बार आने दो, मैं करता हूँ बात। अच्छा जब तक कलीम यहाँ है तू कम मिला कर, फोन कर लिया कर, एक दो दिन में चला जाएगा। सिकंदर का ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है, जो उसका ओवरऑल बिहेवियर जो नज़र आ रहा है, बेसिकली सिकंदर में कुछ ना कुछ क्रिमिनल पैटर्न्स तो वो हैं ऑलरेडी, क्योंकि एक तो उसका वो केयरलेसनेस, उसकी चीज़ों के अंदर अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ना फील करना,
अपनी लाइफ को बहुत ही एक जो है वो किसी भी एक सेलेक्टेड वे होता है इंसान का अपनी ज़िंदगी गुजारने का, उस चीज़ को वो बिल्कुल ही वो ले रहा है, एक इमेच्योर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी तो वो लग रही है। अरे वो मैं समझा दूंगी अम्मा को, चल अब तू जा। चल ठीक है। तू आ गई बेटा, बड़ी देर लगा दी बेटा। अम्मा कहाँ देर हुई, सकीना बरजाई के पास तो आधा घंटा भी ना बैठी, वो रोकती रह गई। बेटा एक घंटे से ऊपर हो गया है तेरे को गए हुए। अम्मा पैदल आने में भी तो टाइम लगता है ना। ए, कहाँ गई थी? अब क्या तुझे लिखवा कर जाया करूं? चाची इसे पूछ के ये कहाँ से आ रही है? अम्मा तू ही बता दे कि मैं कहाँ से आ रही हूँ। पुत्र सकीना के पास गई थी। सकीना के पास गई थी या सिकंदर से मिलने गई थी? ओ चाची मैंने इन दोनों को अपनी आंखों से देखा है, राज के बाद तू उससे नहीं मिलेगी, मैंने कह दिया। हाँ तो क्या हो गया, मेरा चाचा का लड़का है वो। तेरे चाचा का लड़का कोई भी लड़का है, मैं कुछ नहीं जानता। और एक बात बता दूं, बहुत बुरा होगा अगर तू उससे दोबारा मिलने गई तो। मैं मिलने नहीं गई थी, मुझे घर तक छोड़ने के लिए आया था वो। चुप करो तुम लोग, तो भी चुप हो जा। देख पुत्र शादी के बाद रोक लेना, अब तो इसको आना जाना पड़ता है ना, गलत ना समझा कर। ठीक है चाची, आज तो मैं कराची वापस जा रहा हूँ, लेकिन अब आऊंगा तो इसके साथ शादी करूंगा और उस सिकंदर को भी देख लूंगा तेरे। तो भी ख्याल रखा कर, कितनी सुना के चला गया। शुक्रिया चाचा। सलाम अदा, सब ठीक तो है दा? सब ठीक तो है, पर तू ठीक हो जा। खैरियत तो है दा? देख सिकंदर, बच्चा तू भी नहीं है, बच्चा मैं भी नहीं हूं, मैंने भी कराची जैसे शहर में बड़े रंग देखे हैं। पर हुआ क्या है मुझे बताओ तो सही। तू आसिया से ना मिलाकर, तुझे पता नहीं है वो मेरी मांग है। मुझे मालूम है, पर मैंने किया क्या है? ये जो तू कर रहा है ना, अगर मैंने बरादरी में बता दिया ना तो तू और तेरा भाई मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। सही राम से बात करो, मना करना है तो आसिया को करो, मुझे नहीं। उसको तो मैं कर लूंगा, पर तुझे समझा रहा हूं, आइंदा मैं तुझे उसके साथ ना देखूं, समझा? गुस्सा सिर्फ तुम्हें ही नहीं मुझे भी आता है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी? मैं आज जा रहा हूं कराची, वादा करीम से बात करूंगा, अगर वो समझ गया तो ठीक, नहीं तो। सलाम अदा। हेलो, मुझे लगता है ज्यादा तबीयत खराब है तुम्हारी। नहीं ज्यादा तबीयत खराब नहीं है, बस डॉक्टर ने 10-15 दिन आराम का कहा। तो अदा मैं कराची आ जाऊं? एक दो दिन में आ जा, मैं तुझे काम समझा दूंगा वरना मेरी नौकरी छूट जाएगी। ठीक है दा, मैं 2-4 दिन में आ जाता हूँ, तुम परेशान मत हो। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या बात है अदा सिकंदर, तेरा अदा का फोन था, क्या ज्यादा तबीयत खराब है उसकी? अदा को डॉक्टर ने 10-15 दिन आराम करने के लिए बोला है, तो मैं बस 2-4 दिन में अदा के पास कराची जा रहा हूँ। हाँ अदा तू चला जा, वो वहाँ अकेला है, उसको सहारा हो जाएगा। सिकंदर जल्दी वापिस आ, वापिस आके अपने भाई से बात कर। हाँ वापिस आकर मैं भाई से बात करता हूँ। क्या आसिया मेरी मांग है, फिर भी तू उसके पीछे पड़ा रहता है? अदा मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक नहीं है तो फिर क्यों मिलता है?
अरे बाबा रिश्तेदारी है, आना जाना पड़ता है घर में। अल्लाह खैर करेगा, करीमू की तबीयत भी सही हो जाएगी। तुम वहाँ पे दिल लगा कर काम करना, मैं तो कहती हूँ वहाँ पे पक्की नौकरी कर लो। कब तक यहाँ धक्के खाते फिरोगे? ले पानी पी। चाय नहीं लेकर आई? अम्मा पत्ती खत्म हो गई। आए है, ये तो हर दूसरे दिन पत्ती खत्म हो जाती है। अच्छा मैं लेकर आती हूँ। तू आएगा कब तक? अल्लाह खैर करेगा, अदा की तबीयत ठीक हो जाए फिर वापस आ जाऊंगा। सिकंदर जल्दी वापस आ, और वापस आके अपने भाई से बात कर। हाँ वापस आकर मैं भाई से बात करता हूँ, और वैसे भी मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पुलिस राय के मुताबिक मुलजिम सिकंदर ने यह तो इकरार कर लिया था कि उसके मकतूल कलीम की मंगेतर आसिया के साथ ताल्लुकात थे, लेकिन कत्ल से अब तक इनकारी था। लेकिन जब पुलिस ने पोस्टमार्टम और फोन रिकॉर्ड का जायजा लिया तो मामला साफ हो गए, और फिर पुलिस ने सिकंदर के साथ अपने रिवायती तरीके से पूछगछ की तो सिकंदर ने इंकशाफ किया कि वो अपने भाई करीम की जगह वक़ार अहमद के घर नौकरी करने कराची आया, तो तब भी उसके रابطے आसिया के साथ फ़ोन पर बरकरार रहे। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने इकरार किया कि वो पूरी प्लानिंग के साथ कराची आता था ताकि वो कलीम को अपने और आसिया के रास्ते से हटा सके, और वो मौके की ताक में था कि अचानक कलीम का उसके पास फ़ोन आया। हेलो, सिकंदर बात कर रहा है? हाँ मैं सिकंदर बोल रहा हूँ। हाँ सिकंदर, मैं कलीम बात कर रहा हूँ। हाँ कलीम भाई क्या हाल है? सुना है कि बच्चल साईं की जगह तू आ गया बंगले पर काम करने। हाँ उसकी तबीयत खराब थी ना, तो 8-10 दिन की छुट्टी पर गया है, तो नौकरी का मसला था तो मैं आ गया। चल अच्छा हुआ तू यहीं आ गया, मेरे को तेरे से बात भी करनी है। तुझे कहा भी था कि दिन में फोन ना करना, करना भी होगा तो मैं खुद करूंगी। मेरी बात तो सुन, बात ये कुछ ऐसी है कि मुझे तुझे अभी फोन करना पड़ा। ऐसी भी क्या बात है, खैर तो है? वो ना अभी कलीम का फोन आया था। कलीम का फोन? क्यों, तुझे क्यों आया? वो बोल रहा था कि उसने कोई बात करनी है। तू उसके पास नहीं जाना, वो तेरे से लड़ेगा। तो मैंने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं? मैंने भी उसे साहब के बंगले पर बुलाया है। ये अच्छा किया, लेकिन मना कर देता तो ज्यादा ठीक था, पता नहीं कब पीछा छुटेगा इससे। मैंने भी बड़ा सोच समझ कर बुलाया उसे। सोच समझ कर? क्या सोचा मुझे भी तो बता। वही जो तूने अभी बोला। मैंने? कब पीछा छुटेगा। अच्छा सिकंदर, सिकंदर आया साहब। जी साहब। सिकंदर मैं पार्टी में जा रहा हूँ, रात देर से आऊँगा, और मेरे लिए खाना मत बनाना। ठीक है साहब। हेलो आदा कलीम, तुम आओगे ना आज? हाँ हाँ लाजमी आना। ठीक है अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिकंदर है? सिकंदर आप कौन? उससे कह उसका रिश्तेदार कलीम आया। अच्छा एक मिनट बुलाते। सिकंदर तेरा कोई जानने वाला है? कलीम? हाँ हाँ कलीम वही। आजा मिल ले, आजा 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 आजा। सलाम अदा करीम। हाँ सर। आओ अंदर आओ। नहीं नहीं बस यही बात कर लेते हैं। अरे आप अंदर आओ। अरे आओ आओ।
आजो अदा आओ आओ बैठो बैठो। और सुना, काम खत्म हो गया? हाँ, आज साहब लोगों ने दावत पर जाना था इसलिए जल्दी फारिग हो गया। अच्छा तू बता, क्या बात करनी थी? देख सिकंदर, मैं तेरे को समझाने आया था कि आसिया मेरी बंग है, फिर भी तू उसके पीछे पड़ा रहता है। अदान, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक नहीं है तो फिर क्यों मिलता है? अरे बाबा, रिश्तेदारी है, आना जाना पड़ता है घर में। अगर तू कहेगा तो वो भी नहीं जाता। मैं तेरे को यही समझाने आया था कि अपनी रिश्तेदारी है, तू उसको तंग ना किया कर। हाँ, अदाब अचल ने भी यही कहा था। अब देख, मैं कराची आ गया हूँ तो तू अब अपना दिल मेरी तरफ से साफ कर ले। मेरा दिल तो साफ है, पर मैं नहीं चाहता कि हमारी रिश्तेदारी में कोई फर्क पड़े। वो नहीं आएगा, आसिया को भी नहीं मिलूंगा। अब तो खुश है ना? चल ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अरे अदा कहाँ, बैठ, कुछ लाता हूँ तेरे लिए खाने पीने को। कोई तकल्लुफ की जरूरत नहीं है बस। अरे अदा बैठ ना, अभी आया, बैठो बैठो। यहाँ पर भी जहाँ पर पेनफुल फीलिंग उसकी डेवलप हुई हुई है कलीम के साथ, तो वो उस चीज़ को अपने डिफरेंट पैटर्न्स को गैदर करके वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी प्लान करता है, और उसमें वो इस हद तक जो है वो हो जाता है इन्वॉल्व कि उस एक इंसान में जो डर और खौफ की जो फीलिंग होती है वो भी सबसाइड हो जाती है, और वो एक प्रोमिनेंट बिहेवियर वो सामने लेकर आता है जिसके लिए वो दूसरों को चीट करने की भी कोशिश कर रहा है। पुलिस के मुताबिक मकतूल कलीम की लाश देखने के बाद ही अंदाज़ा हो गया था कि मकतूल ने खुदकुशी नहीं की, लेकिन उन्हें पोस्टमार्टम का इंतज़ार था। दूसरी तरफ मुलजिम मुसलसल कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम आने के बाद मुलजिम सिकंदर पुलिस की सख्ती बर्दाश्त ना कर सका और कलीम के कत्ल का एतराफ़ करते हुए बताया कि वो कलीम की मंगेतर आसिया से मोहब्बत करता था और उसे हासिल करने के लिए कलीम को कत्ल करने के लिए ही शहर आया था। मुलजिम के मुताबिक उसने मकतूल के सर पर पहले ईंट और फिर छुरी से हाथ की नस काटकर कत्ल किया था, लेकिन रात गुजरती जा रही थी और वो लाश को ठिकाने लगाने में नाकाम हो गया था, इसलिए उसका ख्याल था कि वो खुदकुशी का ड्रामा रचाकर लाश को किसी तरह वहां से ले जाएगा, लेकिन नाकाम हो गया। जबकि पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने पूरी मंसूबाबंदी से मकतूल को रास्ते से हटाने की कोशिश की थी, और मुलजिम के फ़ोन के रिकॉर्ड से ये बात भी जाहिर होती है कि आसिया भी इस पूरे मंसूबे में शरीक थी। पुलिस ने आसिया को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। क्या खून के रिश्तों की माने कोई सच्चाई, जब हजरत यूसुफ के काम ना आ सके भाई, जाते हुए दुनिया से फिर एक नया गम है, किस तरह से चखेंगे हम लज्जत-ए-तन्हाई।